नमस्कार दोस्त। तो भाई अगर आप लोग भी एक व्हाट्सएप यूजर्स हो, फेसबुक यूजर हो या फिर इंस्टा यूजर्स हो तो अभी से आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका अकाउंट कभी भी हैक हो सकता है सिर्फ एक वीडियो कॉल के माध्यम से। जी हाँ, आप लोग वीडियो कॉल रिसीव मत करना यार, क्योंकि अगर आप वीडियो कॉल रिसीव कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट हैक हो जाएगा, आपके साथ स्कैम किया जा सकता है, आपके साथ ब्लैकमेल किया जा सकता है। आखिर में पूरा मामला है क्या, मैं इस वीडियो में आगे क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि अभी आप लोग नहीं समझे होंगे। लेकिन दोस्त मैं अभी भी बता दूं कि आप वीडियो कॉल को रिसीव मत करना, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर भी जरूर करना, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखने के बाद अवेयर हो सके, सतर्क हो सके, ताकि उनका व्हाट्सएप अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने से बच सके और साथ ही वो खुद भी ब्लैकमेल होने से बच सके। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग एक यूट्यूबर हैं या फिर यूट्यूब के रिगार्डिंग जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग एक बार सुमित भारती इंडियन यूट्यूबर के चैनल को जरूर विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको YouTube से रिलेटेड बेसिक प्लस स्टैंडर्ड नॉलेज वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग एक नए यूट्यूबर हैं, ओल्ड यूट्यूबर हैं या फिर YouTube पर आने के लिए सोच रहे हैं ना, तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज आप लोग विजिट कीजिए और वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिए। और हाँ, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं गारंटी देता हूँ पैसा नहीं लेगा। वहीं पर अगर आप लोग अदर नॉलेजेबल टॉपिक के रिगार्डिंग लाइक एज पैन कार्ड घर बैठे कैसे बनवाएं, आधार कार्ड कैसे बनवाएं, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट कैसे कराएं या फिर एड्रेस सही कैसे करवाएं, उसके बाद पासपोर्ट कैसे बनवाएं, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं, लर्निंग लाइसेंस कैसे बनवाएं, योनो SBI एप्लीकेशन कैसे यूज करें, योनो SBI एप्लीकेशन से पैसा कैसे ट्रांसफर करें, इन सभी टॉपिक के रिगार्डिंग जो कि आपकी डेली लाइफ में हमेशा काम आती है, अगर आप लोग जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग एक बार सुमित एक्सेस के चैनल को जरूर विजिट कीजिए। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिल जाएगी जो कि आपके डेली लाइफ में हमेशा काम आती है। तो प्लीज एक बार जरूर से जरूर विजिट कीजिए और हाँ, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना यार, तभी समझ में आएगा कि आपको नॉलेज मिल रही है या फिर नहीं। और अगर वीडियो अच्छी लगी, नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपको सही लगे तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो भाई जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अभी कुछ दिनों तक आप लोग व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर कहीं पर भी आप वीडियो कॉल रिसीव मत करना। हाँ, वीडियो कॉल रिसीव करना जब आपकी जान पहचान का कोई बंदा या बंदी हो तो आप रिसीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अननोन पर्सन के थ्रू वीडियो कॉल आए या फिर व्हाट्सएप पर किसी भी प्रकार का फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो आप उसे एक्सेप्ट मत करना। देखिए दरअसल हो क्या रहा है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वैसे आप इसे हैकिंग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ स्कैमिंग जरूर कह सकते हैं, ब्लैकमेलिंग जरूर कर सकते हैं, ठीक है। दरअसल मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। देखिए पहले तो ये लड़कियों के साथ हुआ करता था, क्योंकि लड़कियों पहले बहुत सारा केस लेकर के इस तरह का केस बताया करती थी। लेकिन अब हाल फिलहाल में कुछ दिनों से ये सारे काम, यानी कि ये सारे कांड कहिए, लड़कों के साथ भी होता जा रहा है और काफी सारे लड़के इस वजह से सुसाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लड़कों का जान भी जा रही है, ठीक है। अब देखिए पूरा मामला क्या है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आजकल क्या हो रहा है कि आपको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल या फिर उससे पहले आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है, चाहे वो इंडियन की तरफ से, यानी कि इंडियन लोग ही, इंडियन कुछ यूजर्स ही आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे या फिर विदेशी भी कुछ ऐसे हैं, विदेशी लोग भी जो कि आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे। लेकिन वो आपको एक लड़की भेजेगी रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट लड़की, जी हाँ, और वो बेसिकली लड़की ही होती है, ठीक है। वो आपको एक लड़की भेजेगी फ्रेंड रिक्वेस्ट, और आप जानते हो ये उन सारे यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं जिनका एज 16+ यानी कि 16 वर्ष से ज्यादा का है और 24-25 ईयर्स के बीच का है, ठीक है। उन सारे यूजर्स को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। दरअसल ये एक कंपनी है, ठीक है, एक तरह का ये सारे टीम है, कंपनी तो आप नहीं कह सकते लेकिन ये एक टीम बना करके बैठे हुए हैं। पहले बता दूं पूरा मामला क्या है, उसके बाद मैं आगे की बात क्लियर करूंगा। देखिए दरअसल ये लोग करते क्या है, चाहे वो विदेश से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे या फिर इंडिया से ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, लेकिन आपको एक लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भेजेगी और आपसे कुछ देर तक वो बातचीत करेगी और यहाँ तक कि आपको ये भी बोलेगी क्या आप मेरे दोस्त बन चुके हो, आप मुझसे जानते हो ना, वगैरह वगैरह, मतलब कि आई लव यू, प्यार वगैरह करते हो ना, ठीक है। कुछ दिनों तक हो सकता है बात भी करेगी आपसे, चूंकि कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो कि तुरंत के तुरंत लड़कियों के जाल में नहीं फंसते हैं, तो उनको कुछ दिन तक बझाया जाता है, फंसाया जाता है और वो आपको अपने जाल में फंसा ही लेगी, चूंकि वो एक लड़की है, ठीक है। तो वो आपको जाल में फंसा लेगी और वो आपसे फ्रेंड रिक्वेस्ट तो कर ही लेगी, उसके बाद वो रिक्वेस्ट करेगी आपसे
वीडियो कॉल करने का, उससे पहले आपको एक पॉइंट और करवाएगी, यानी कि एक काम और करवाएगी, वो उधर से मतलब लड़की आपको व्हाट्सएप पर उधर से न्यूड पिक्चर आप लोग समझ रहे होंगे ना, न्यूड पिक्चर मैं क्लियर नहीं बता सकता, वैसे मैं क्लियर ही बोल रहा हूँ लेकिन समझने वाले समझ रहे होंगे और जो ना समझे वो तो नहीं समझेंगे। न्यूड पिक्चर जिसको हम सेक्सुअल पिक्चर कहते हैं, अब आप लोग समझ गए होंगे, तो वो शेयर करते हैं आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर सेंड करते हैं, और वो भी रिक्वेस्ट उधर से करते हैं कि आप ही अपना न्यूड पिक्चर सेंड करो मुझे, रिक्वेस्ट करते हैं। और लड़के लोग भावुक होते हैं, यानी कि जो लड़के होते हैं वो भावुक होते हैं और वो लड़कियों की भावना में बह करके, भावना में आ करके अपना प्राइवेट पार्ट का पिक्चर सेंड कर दिया करते हैं, ठीक है। वहीं पर कुछ देर यही सारा मामला चलते रहता है, उसके बाद कुछ देर के बाद उधर से फिर एक रिक्वेस्ट आती है कि आप वीडियो कॉल कीजिए या फिर मैं वीडियो कॉल करता हूं, आप रिसीव कर लेना, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप जो लड़के होते हैं वो भावुक हो जाते हैं कि चलो भाई मुझे न्यूड पिक्चर देखने तो मिला, अब शायद वीडियो कॉल में मुझे पूरा खुलासा देखने को मिल जाएगा। देखिए लड़के तो हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि एक्सेप्ट कर लेते हैं, उधर से रिक्वेस्ट की जाती है वीडियो कॉल की, तो इधर से मान जाते हैं कि चलो भाई मैं मान गया, ठीक है। तो उधर से वीडियो कॉल आती है और इधर से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो लड़की जो होती है अपना सेक्सुअल पार्ट दिखाती है, यानी कि पूरा सेक्सुअल एक्टिविटी वीडियो कॉलिंग में करके दिखाती है, ठीक है। और उनसे उधर से भी आपको बोला जाएगा कि भाई आप भी दिखाओ, यानी कि आपसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप भी सेक्सुअल एक्टिविटी दिखाइए। तो लड़के भी भावुक होते हैं और वो अपना सेक्सुअल एक्टिविटी वीडियो कॉलिंग के जरिए दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से ये काम तो हो रही है, लेकिन हम लोग नादान होते हैं यार, यानी कि लड़के लोग नादान होते हैं, क्या पता वो क्या कर रही है। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं यहां पर होता क्या जा रहा है, अभी फिलहाल हो रहा है जो वो मैं आपको बता दूं, वहां से उधर से आपको जो लड़की कॉल कर रही है उधर से आप जो भी एक्टिविटी दिखा रहे हो उसका स्क्रीनशॉट ले लेती है और साथ ही आपका वीडियो कॉल रिकॉर्ड भी कर लेती है। अब वीडियो कॉल रिकॉर्ड कैसे किया जाता है वो आपको पता होगा, कई सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं जिसके जरिए आप वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, और मोबाइल में भी एक फंक्शन मिलता है, ऑप्शन मिलता है वीडियो कॉल रिकॉर्ड करने का, उससे भी रिकॉर्ड किया जा सकता है वीडियो कॉल, ठीक है। तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद जैसे ही वो वीडियो कॉलिंग करती है लड़की और आप रिसीव करते हो, रिसीव करने के बाद सारा प्राइवेट पार्ट सेक्सुअल एक्टिविटी दिखा देते हो, उसके बाद कुछ ही सेकंड में या फिर कुछ ही मिनट में वीडियो कॉल ऑटोमेटिक कट जाती है, ठीक है। कट जाने के बाद आपकी वीडियो, जब आप वीडियो कॉल करने के लिए ट्राई करोगे तो वो वीडियो कॉल लगेगी नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको एक लड़का तुरंत लड़का आपको एक कॉल करता है और आपको वही सारा पिक्चर, न्यूड पिक्चर जो आपने शेयर किया था उस लड़की के साथ, और वही सारा वीडियो कॉल जो आपने किया था, दिखाया था प्राइवेट पार्ट लड़की को, वो सारा वीडियो कॉल रिकॉर्ड करके आपको व्हाट्सएप अकाउंट पर, आपके ही व्हाट्सएप अकाउंट पर शेयर कर देती है, यानी कि वो लड़का कर देता है, लड़की नहीं करती है, लड़का कर देता है, और उसके बाद आपको ब्लैकमेल करता है, ठीक है। आपको ये बोलता है कि भाई आप इतने रुपये दो, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 आप रुपये दो वरना ये करूंगा वो करूंगा दिस डेट वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें बोलेगा वो आपको, ठीक है। तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि काफी सारे ऐसे लड़के होते हैं जो पैसे देने वाले होते हैं, तो वो पैसा दे देते हैं 10,000, 20,000, चलो भाई दे दिया। लेकिन जब आप पैसे दे दोगे 10,000, 20,000, तो उधर का जो डिमांड है, यानी कि जो लड़के वाले हैं उधर से, वो आपका डिमांड बढ़ाते जाएंगे, आपसे रुपया और ज्यादा मांगते जाएंगे, लाखों करोड़ों तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनको ये पता चल जाएगा कि ये बंदा पैसा देने वाला है, ये पैसा देने वाला पार्टी है, मैं इससे और पैसा ऐड लेता हूं, यानी ये पैसा ले लेता हूं। तो उस सिचुएशन में आपसे पहले 10,000 ही मांगेंगे, 20,000, इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे 30, 40, 100 या फिर 1,00,000, 2,00,000, 1,00,000, ऐसा करके आपसे पैसा मांगते जाएंगे। तो इसी सिचुएशन में कुछ ऐसे भी लड़के जो पैसा नहीं दे पाते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब कि उनकी मौत हो जाती है किसी भी कारणवश, वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस सिचुएशन में हो क्या रहा है कि लड़कों के साथ ये गलत काम हो रहा है, लेकिन लड़के भी गलत कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये तो पॉइंट क्लियर हो गए कि उधर से कैसे आपको फंसाया जा रहा है, कैसे आपके साथ स्कैम किया जा रहा है वीडियो कॉल के जरिए। और मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये जो है इंडियन टीम, यानी कि इंडिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक टीम बनाकर बैठे हुए हैं, और बाहर में विदेशी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि टीम बनाकर के बैठे हुए हैं रुपये कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और आप लोगों के साथ ठग रहे हैं, ठीक है, स्कैम कर रहे हैं, ब्लैकमेल के जरिए आपसे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गए कि आपके साथ कैसे लोग ठग रहे हैं, लेकिन अब आपको ये मैं बता दूं कि आपको इन सभी चीजों से बचना कैसे है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपके साथ कुछ वैसा हो रहा है और आपने गलती भी कर दिया, जैसे मान लीजिए आपने वीडियो कॉल में अपना सेक्सुअल एक्टिविटी दिखा दिया, उसके बाद न्यूड पिक्चर भी आपने सेंड कर दिया उस लड़की के साथ, वैसे भी देखिए अगर आपको ये लगता है कि वो लड़की नहीं होती है, नहीं भाई वो लड़की ही होती है, ठीक है, लेकिन वो एक टीम बना करके होती है, कुछ लड़के होते हैं कुछ लड़कियां होती है आपको फंसाने के लिए। तो आपको करना क्या है वो मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने सारा काम कर लिया, गलती भी आपकी है, तो आप एक लीगल एक्शन ले सकते हो, यानी कि FIR कर सकते हो, डरना नहीं है। और अगर आपको उधर से बोल रहा है कि भाई अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो आप कहना भाई कर लो जो करना है कर लो, लेकिन आपको लीगल एक्शन लेना ही है, क्योंकि अगर आप लीगल एक्शन नहीं लेते हो तो उल्टे आप पर ही भारी पड़ जाएगा और आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। तो आप FIR जाकर कर दीजिए, सर ऐसी ऐसी बात है, मेरे साथ इस तरह का ब्लैकमेल किया गया है, ऐसी ऐसी बातें हुई थी मेरे साथ, तो आप पूरा डिटेल में बताइए, उसके बाद आप FIR कर दीजिए।
उसके बाद अब आपको क्या करना है, जैसे कि अवेयर कैसे रहना है। जैसे कि मान लीजिए आपको व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आता है या फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, तो आप पहले ये चेक कीजिए कि वो नंबर है कहाँ का, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, आपका नंबर वो लोग कहीं से भी रिसीव कर लेते हैं, यानी पता कर लेते हैं, ठीक है, कहीं से भी उठा लेते हैं, क्योंकि आप लोग कुछ ऐसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है, ठीक है, और उसका आपसे कोई लेना देना नहीं होता है, बिल्कुल फेक एप्लीकेशन होती है, लेकिन आपको ये बताया जाता है कि भाई इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, सारा परमिशन दे दीजिए और स्कैन कीजिए, तो उसका व्हाट्सएप आपके मोबाइल में आ जाएगा, उसका व्हाट्सएप आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो आप लोग लालच में आकर के ऐसा काम कर देते हो, उसके बाद सारा परमिशन देने के बाद स्कैन वगैरह करते हो, तो आपका तो नंबर उसके पास चला ही जाता है, साथ ही साथ आपके मोबाइल में जितने भी सारे कॉन्टैक्ट नंबर है वो सारे कॉन्टैक्ट नंबर भी उस पर्सन के पास चले जाते हैं, यानी कि उस हैकर्स के पास चले जाते हैं। या फिर कई सारे ऐसे बंदे होते हैं जो फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं और फेसबुक पर अपना नंबर भी लगा के रखते हैं, लेकिन वो नंबर या फिर ईमेल आईडी वगैरह हाइड नहीं करते, प्राइवेसी नहीं लगाते हैं। काफी सारे ऐसे बंदे को मैंने देखा है, तो उस सिचुएशन में काफी सारे ऐसे लोग होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, जो फेसबुक अकाउंट के जरिए आपका नंबर पता कर लेते हैं और आपको व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो और भी कई सारे तरीके हैं आपका नंबर पता करने का, तो उसी तरीके से वो लोग नंबर पता कर लेते हैं और आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट देते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, न्यूड पिक्चर सेंड करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी दिखाते हैं और आपको अपने जाले फंसा लेते हैं। तो दोस्त अब आपको बचना कैसे है, तो बचना आपको ऐसे है, जब भी आपको किसी ऐसे नंबर से, अननोन नंबर से कॉल आए, चाहे वो इंडियन नंबर से हो या फिर विदेशी नंबर से हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले ये कीजिए कि अगर मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करती है कोई भी लड़की, तो सबसे पहले आप जांच पड़ताल कर लीजिए कि क्या वाकई में वही सही लड़की है या फिर फेक। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर भी लिया, ठीक है, मान लीजिए आपको नहीं पता चला कि ये लड़की सही है या फिर गलत, आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट वाबुक में आकर के कर लिया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, तो अब क्या हुआ कि मान लीजिए कुछ देर वो आपसे बातें करेंगी, आप भी बात कर सकते हो क्योंकि आपको पता नहीं है ये लड़की कैसी है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो आपसे न्यूड पिक्चर सेंड करने को बोलेगी और वो भी सेंड करेगी। तो अगर मान लीजिए वो सेंड कर देती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सेंड मत करना अपना न्यूड पिक्चर। उसके बाद अगर वो आपको वीडियो कॉलिंग करने को बोले, रिक्वेस्ट करे, तो आप वीडियो कॉल भी मत करना, छोटी सी रिक्वेस्ट है यार। देखिए अगर आप थोड़ी सी भावना में बाह करके और वीडियो कॉल वगैरह कर लेते हो, न्यूड पिक्चर सेंड कर देते हो, तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा, मतलब कि आप फंस जाओगे, आपके पैसा बर्बाद हो जाएगा आपका, बिल्कुल बहुत ज्यादा पैसा पानी की तरह बहाओगे, फिर भी आप ब्लैकमेलिंग से नहीं बचोगे, ठीक है। तो या फिर हो सकता है आप भी सुसाइड कर लोगे, ये भी हो सकता है, तो इसलिए आप अननोन नंबर से आए हुए फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट मत करना, अगर वो लड़की है तो, ठीक है। उसके बाद आप ना तो वीडियो कॉल रिसीव करना, ना ही वीडियो कॉलिंग पर सेक्सुअल एक्टिविटी करना, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद अगर आपको कोई गलत लगता है, यानी कि अगर आपको लगता है कि ये गलत बंदा है, तो उसके साथ आप व्हाट्सएप पर भी रिपोर्ट करना कि भाई ये बंदा है, सर ये बंदा है और ऐसी ऐसी गलत एक्टिविटी करता है, रिपोर्ट करना। और साथ ही अगर आप फंस जाते हो इस स्कैमिंग में, तो आप लीगल FIR दर्ज जरूर करना, यानी कि एक्शन जरूर लेना लीगल, इससे आप बच जाओगे, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्त मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके यार शेयर जरूर कर देना, ताकि और भी लोग इस स्कैमिंग से बच सके। क्योंकि काफी सारे लोगों को ये लगता है कि मेरा व्हाट्सएप अकाउंट ही हैक हो गया, उनके पास मेरा वीडियो कॉलिंग चला गया, मेरा स्क्रीनशॉट वगैरह सारा कुछ चला गया। दोस्त वो आपके पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और आप जो वीडियो कॉल उनसे करते हो वो वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपके व्हाट्सएप अकाउंट को हैक तो नहीं करते लेकिन रिकॉर्ड करके आपको ही शेयर कर देते हैं। ये एक तरह का हैकिंग ही हुआ, यानी कि एक तरह का हैक करना ही हुआ, क्योंकि आपकी प्राइवेसी के खिलाफ, यानी कि आपका सेक्सुअल कंटेंट हर जगह शेयर किया जाता है, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना, तो इसलिए ये हैक तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ आपके साथ प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप इस तरह की गलत एक्टिविटी मत करना यार, वरना दलदल में फंस जाओगे। तो आज बस इतना। तो आई होप दोस्त आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना, और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर देना। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।